फ्रेंड साइकेट्रिस्ट, वी केयर वी शेयर में जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वी केयर एज ए डॉक्टर्स एंड वी वांट टू शेयर द इंफॉर्मेशन, एंड हम चाहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन आप उन सब से भी शेयर करें जो आपको लगता है कि जिनको इसकी ज़रूरत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, वो है एडिक्शन। वैसे तो साइकेट्रिस्ट के हिसाब से एडिक्शन वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज़ एक कॉमन वर्ड है, बट आमतौर पर नशे को लोग एडिक्शन ही समझते हैं। क्या क्या नशे हैं जिनको एडिक्शन समझा जाता है, मैं आपको उनको विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। दो तरह के एडिक्शन होते हैं, एक एडिक्शन होता है जिनकी शारीरिक परेशानियाँ होती हैं और मानसिक परेशानियाँ होती हैं दोनों। दूसरा एडिक्शन होता है जिसमें सिर्फ मानसिक परेशानी होती है, शारीरिक परेशानी नहीं होती। शारीरिक परेशानी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टॉलरेंस और एक होता है विड्रॉल। टॉलरेंस का मतलब है कि समय के साथ जो है मात्रा है नशे की वो बढ़ती चली जाती है, जैसे नींद की गोलियों के साथ होता है, शराब के साथ होता है, पहले लोग क्वार्टर लेते हैं, फिर आधी लेते हैं, फिर बॉटल लेते हैं। सिमिलरली स्मैक अफीम के साथ होता है, या कोरेक्स सिरप होता है जो खांसी का सिरप होता है, लोग पहले एक बोतल लेते हैं, दो बोतल लेते हैं, छः छः बोतल लेते हैं। उसी तरह स्मैक है जिसकी मात्रा बढ़ती जाती है, पहले लोग 100 रुपये की लेते हैं, फिर 500 रुपये की लेते हैं। इवन टी एंड कॉफ़ी का भी एडिक्शन होता है, पहले एक कप चाय से मज़ा आता है, फिर 3 4 कप, फिर टेंशन होता है 10 से 15 कप भी हो जाते हैं। तो ये है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि समय के साथ जो है वो नशे की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और तभी उतना मज़ा आ रहा है जितना पहले मज़ा एक कप कॉफ़ी में आ जाता था, अब उस कप के लिए ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए। सिमिलरली पहले जो मज़ा एक क्वार्टर में आ जाता था, उसके लिए अब एक बॉटल चाहिए। सिमिलरली पहले जो मज़ा इतनी से अफीम में आता था, अब इतनी सारी चाहिए। सो इसका मतलब है टॉलरेंस। सेकंड मतलब होता है विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब है जो नशे जिनसे शारीरिक परेशानी होती है, जब उनको छोड़ देते हैं अचानक तो दिक्कत आती है। जैसे सिगरेट छोड़ने से लोगों को बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, बेचैनी होती है, दारू छोड़ने से लोगों के हाथ कांपते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, कई बार तो काफ़ी गंभीर स्थिति भी आ जाती है, लोग अपने घर वालों को ही नहीं पहचान पाते, और अगर अचानक शराब छोड़ते हैं जो लोग सुबह शाम पीते हैं तो वो जानलेवा भी हो सकता है। जब हफीम स्मैक ब्राउन शुगर वगैरह जब छोड़ते हैं, या मॉर्फिन के इंजेक्शन या नॉर्फिन के इंजेक्शन जो लोग लगाते हैं, तो उनको उबासियाँ आती हैं, शरीर टूटता है, नाक से पानी आता है, छींकें आती हैं, पसीने आते हैं, दस्त लग जाते हैं, पेट में दर्द होती है। और विड्रॉल का मतलब है ये जो विड्रॉल होंगे ये नशे के हिसाब से ही होंगे, जैसा इंसान नशा करेगा उसको वैसे ही विड्रॉल होंगे। अगर वो शराब छोड़ता है तो उसके हाथ ही कांपेंगे, अगर वो हफीम मॉर्फिन स्पाज़मोप्रोक्सीमान के कैप्सूल्स इस तरह की चीज़ें लेता है तो उसको उबासियाँ ही आएंगी, पीठ में दर्द और टांगों में दर्द और दस्त वगैरह होंगे। अगर वो सिगरेट छोड़ता है तो उसको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, चिड़चिड़ाहट होगी, बेचैनी होगी, रेस्टलेसनेस होगी, कब्ज़ होगी। अगर वो चाय कॉफ़ी छोड़ता है तो उसके सर में दर्द होगा, तो या नींद की गोलियां छोड़ता है तो उसको नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, उसको भी दौरे पड़ सकते हैं बट समय सीमा थोड़ी बढ़ जाएगी। उसके बाद आते हैं वो नशे जिनमें सिर्फ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है, फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होती। इन शॉर्ट साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, उसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब होता है अत्यंत इच्छा जिसको आप रोक नहीं पाते। इवन चॉकलेट्स के लिए भी क्रेविंग हो सकती है, आइसक्रीम के लिए भी क्रेविंग हो सकती है, जब आप समझ रहे हैं कि इस चीज़ को मुझे नहीं लेना चाहिए लेकिन आप खुद को नहीं रोक पा रहे। बट नशे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोकेन की क्रेविंग होती है, अम्फीटामीन्स होती हैं, फिर उसके जिनको एक्सटेसी स्पीड बॉल इन नामों से भी जाना जाता है, MMD एंड ऑल दोज थिंग्स, फिर LSD होती है, फिर उसके बाद सूंघने वाली होती हैं। आजकल आपने शायद नोट किया होगा, बच्चे जो है टाइपराइटर की इंक जो है उसको हैंकी में डुबा के सूंघते हैं, जिनको इनहेलेंट बोला जाता है, या कॉमन लैंग्वेज में फ्लूइड बोलते हैं जो बच्चे होते हैं, रैग पिकर्स होते हैं, मिडिल क्लास के होते हैं, हायर क्लास के होते हैं। तो ये वो नशे हैं जिनकी शारीरिक जो क्षमता है वो बढ़ती नहीं है। जैसे इसका कहने का मतलब क्या है, इनमें टॉलरेंस नहीं होती, जैसे कोकेन या जो गांजा है, भांग है, चरस है जिसको कैनाबिस बोलते हैं हमारी भाषा में, या अमेरिकन लैंग्वेज में मारिजुआना, हैश, ग्रास, वीड, ये सारे कैनाबिनॉइड्स कहलाते हैं। इनमें शारीरिक परेशानी ना के बराबर होती है, जो भी परेशानी होती है वो मानसिक होती है, मन से नशे से रहा नहीं जाता, तो इसको बोलते हैं क्रेविंग। उसके बाद आता है सब्सटेंस टेकिंग प्रेसिडेंस ओवर सोशल लाइफ। इसका मतलब नशा पहले, घर वाले बाद में। जैसे कई एड्स में दिखाया जाता है कि एक इंसान बोतल के साथ अलग पड़ा हुआ है, उसकी फैमिली अलग से रो रही है, तो दैट इज़ कि नशा पहले आ गया है, घर वाले बाद में, फिर वो चाहे कोकेन हो, चाहे गांजा हो, चाहे बाकी चीज़ें हों। उसके बाद है कि नशे रिलेटेड हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और उसके बावजूद भी इंसान नशा करता रहता है, जैसे किसी का लिवर ख़राब हो गया,
फिर भी वो दारू पीता रहता है, किसी के फेफड़े ख़राब हो रहे हैं फिर भी वो सिगरेट स्मोक करता रहता है या गांजे की सिगरेट लेता रहता है, किसी का नाक ख़राब हो गया है फिर भी वो कोकेन स्निफ करता रहता है। तो या डियागो माराडोना था, उसको तो रेयर कॉम्प्लिकेशंस हुई थी कोकेन की, कि कार्डियक प्रॉब्लम्स हो गई थी फिर भी यूज़ टू टेक कोकेन। तो इसका मतलब यह है कि पेशेंट की ज़िंदगी में और बाकी सब मज़े जो हैं बैक सीट पर चले गए हैं, ये मज़ा जो है वो सबसे पहले है। उसके अलावा जो है पेशेंट चाहता है छोड़ दूँ बट वो छोड़ नहीं पाता है। तो ये सारे जो 6 हैं मैंने आपको लक्षण बताए, अगर इन तरह के लक्षण मरीज़ में हैं और वो कुछ महीनों से अगर नशा कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उसको एडिक्शन हो गया है या वो नशे का आदी हो गया है। तो नशे कौन से हैं दोस्तों, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इवन चाय कॉफ़ी भी एक नशा है जिसकी वजह से परेशानी होती है, छोड़ते हैं। सिगरेट पीना तंबाकू वाली भी नशा है, गांजे वाली सिगरेट पीना भी नशा है, कोकेन लेना भी एक नशा है, दारू पीना भी एक नशा है, हफीम हफीम में आता है जैसे स्पाज़मोप्रोक्सिमोन का कैप्सूल लेते हैं लोग, इससे ज़्यादा लेने से दौरे भी पड़ते हैं। और उसके बाद जो पंजाबी लोग हैं वो हफीम लेते हैं, डोडा लेते हैं, पोस्ट लेते हैं, खांसी के सिरप लेते हैं, फिर मॉर्फिन या नॉर्फिन के इंजेक्शंस लगाते हैं। ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं जिसको बोलते हैं ओपियोइड्स। और उसके अलावा मैंने आपको बताया जो बच्चे स्टार्ट करते हैं वो इनहेलेंट से स्टार्ट करते हैं, वो चीज़ें जो सूंघने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इवन एक हेलोसिनोजन होता है जिसको बोलते हैं लाइसर्जिक एसिड, जिससे आने जो हैं बातें करते हैं, सुर जो हैं डांस करते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होती हैं। तो ये वो सारे नशे हैं जिनकी वजह से नशा होता है। एक और कैटेगरी भी होती है हमारी क्लासिफिकेशन में, जो चीज़ें वैसे तो नशे का मज़ा नहीं देती बट पेशेंट उसको इस तरह से इस्तेमाल करता है जैसे कि मानो नशा हो। कई लोगों को कोई दवाई लिखी जाती है पेट साफ़ करने के लिए या कब्ज़ के लिए, वो लगातार उसको लेते रहते हैं, उससे कोई मज़ा नहीं आता बट उनको तसल्ली नहीं मिलती जब तक वो दवा न लें। कई लोग हैं वो मल्टीविटामिन ही लेते रहते हैं जबकि मल्टीविटामिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं भी किया है, एंटीबायोटिक के कोर्स लेते रहते हैं। कई लोगों को दवाइयाँ खा के बड़ी संतुष्टि मिलती है, तो वो शारीरिक तौर पे तो वो दवाइयाँ कुछ नहीं कर रही बट मानसिक तौर पे वो भी एक तरह का नशा है। तो मोटे मोटे तौर पे जब भी हमें कोई मन की तसल्ली मिलती है या किसी चीज़ लेने से हमें कोई खुशी मिलती है जिससे शारीरिक नुकसान हो रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ उसे नशा है। और जो कि मैंने आपको लक्षण बताए, टॉलरेंस मतलब आदत पड़ जाना, समय के साथ बढ़ जाना मात्रा का, विड्रॉल छोड़ने से परेशानी होना, क्रेविंग मतलब मन की इच्छा होना रोक ना पाना, फिर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस मतलब शारीरिक परेशानियां नशे की वजह से, उसके बावजूद भी नशे को कंटिन्यू रखना। ये तो आमतौर पे क्या होता है, किसी को डायबिटीज़ होता है या ब्लड प्रेशर होता है या हार्ट अटैक होता है तो अचानक सिगरेट छोड़ देता है, अचानक शराब छोड़ देता है, फिर हेल्थ जो है वो हेल्थ या फैमिली बाद में, हेल्थ वो नशा पहले, और आखिरी जो है पेशेंट कहता तो है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ बट उसे छूट नहीं पाता। अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो इसका मतलब है कि हमें मरीज़ की मदद करनी पड़ेगी और उसे एक डॉक्टर को पास दिखाना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट के पास, तभी हम उसकी मदद कर पाएंगे क्योंकि पेशेंट जो है अब नशे का आदी हो चुका है। थैंक यू।